तो डियर स्टूडेंट, आज की यह वीडियो जियोग्राफी यानी कि भूगोल की महासंग्राम होने वाली है। जो भी हमारे बीएस सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जिनको आने वाले दिनों में भूगोल यानी कि जियोग्राफी की परीक्षा देनी है, उनको वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो से ही लगभग प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करेंगे और आपको वो सारे क्वेश्चन बताएंगे जो पिछले वर्षों में लगातार पूछे जा रहे हैं, इस बार आने वाले हैं। तो यदि भरोसा है तो वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आते हैं मेन मुद्दे पे, आपको सबसे पहले हम जानकारी देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए फिर से। बीए फर्स्ट ईयर, ठीक है, प्रथम वर्ष, ठीक है, और आपका जो सेमेस्टर है वो आपका सेकेंड है, ठीक है। वर्ष आपका पहला है लेकिन सेमेस्टर आपका सेकेंड सेमेस्टर है, ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए, ओके। उसके बाद मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा ताकि आपको समस्या ना हो, ओके। फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट आपका भूगोल है, ओके, और जो प्रश्न पत्र का नाम है, क्वेश्चन पेपर का नाम है, वो है मानव भूगोल। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो मानव भूगोल से संबंधित होंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे आप सभी, ओके। चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन की ओर। तो आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला प्रश्न है वो ये है कि जनसंख्या स्थानांतरण क्या है। ये सारे क्वेश्चन हम अपने एक्सपीरियंस और अपने पिछले वर्षों के जो क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से तैयार किए हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। पहला प्रश्न इसी प्रकार का, मतलब कि आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जनसंख्या स्थानांतरण क्या है, ठीक है। जनसंख्या स्थानांतरण की परिभाषा दीजिए, ठीक है। फिर जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या विस्फोटक के बारे में बताइए, जनसंख्या रोकथाम के उपाय बताइए, ठीक है। इस तरीके की जनसंख्या से जुड़े कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे। तो जनसंख्या स्थानांतरण का अर्थ लिखेंगे कि जनसंख्या स्थानांतरण से मतलब यह अभिप्राय किसी जनसंख्या का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रभाव करने से होता है। जब किसी एक क्षेत्र की जनसंख्या विशाल मात्रा में किसी दूसरे क्षेत्र में प्रभाव करती है तो उसे हम जनसंख्या स्थानांतरण कहा जाता है। मान लीजिए कि कोई बाहरी संख्या में लोग दिल्ली में रह रहे थे लेकिन किसी वजह से अब वो मुंबई में, ठीक है। देखिए किस मतलब कि कोई मतलब कि मान लीजिए कि 200-300 लोग जो थे वो दिल्ली में रहते थे लेकिन किसी कारणावश वो सभी लोग मुंबई में आके शिफ्ट हो गए, ठीक है, 150-200 लोग 250 लोग, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे जनसंख्या स्थानांतरण, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया गया रहा है, किसी एक क्षेत्र की जो जनसंख्या वो भी विशाल मात्रा में मतलब कि अधिक मात्रा में अधिक लोगों वो किसी दूसरे स्थान में रहने लगी, प्रवास करती है, जाती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, जनसंख्या स्थानांतरण कहेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान मूव होना। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, कई बार आ चुका। अगला प्रश्न है कि मानव अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित क्वेश्चन है, तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो मानव अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति से जुड़ा क्वेश्चन आ सकता है, तो लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था का प्राचीन इतिहास सुमेर राजवंश के समय से ज्ञात होता है, मतलब कि पुराने समय से यानी कि प्राचीन इतिहास से, ठीक है। और किसके समय से, एक सुमेर राजवंश के जमाने से या फिर समय से इसकी जानकारी मिलती है कि जब वस्तु आधारित विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे मध्ययुगीन काल में अधिकांश व्यापार सामाजिक समूह के अंतर्गत ही होता था। किसके अंतर्गत होता था, अधिकांश व्यापार समाज के जो समूह था उसी के निहित में या अंतर्गत होता था। आधुनिक युग में अधिकांश व्यापार यूरोप के देशों द्वारा विभिन्न देशों को गुलाम बनाकर किया जाता रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है रुपये पैसे से, ठीक है। तो रुपया पैसा कैसा आएगा, या फिर आप कोई नौकरी करें या फिर कोई व्यापार करें, कोई बिजनेस करें, ठीक है। तो ये जो है वो व्यापार से संबंधित है, ठीक है। अर्थव्यवस्था, अगर आपको आर्थिक स्थिति स्ट्रॉन्ग करनी है तो कोई ना कोई व्यापार करना पड़ेगा, और व्यापार अपने देश में रहकर, विदेश में रहकर या फिर दूसरे देश में आप किया जा सकता है। कोई चीज़ मंगाना, कोई चीज़ ट्रांसफ़र करना, मान लीजिए कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो विदेशों में मंगाई जाती हैं या फिर यहाँ से सेल की जाती हैं। तो ये बिजनेस का जो प्रोसेस होता है इससे हम लोगों को कुछ ना कुछ इनकम होती है, ठीक है। तो ये उसी से संबंधित क्वेश्चन है जो कि आपको देखने को मिल सकता है, हमेशा नहीं आता है, कभी कदार आता है, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मानव अधिवासों के प्रकार बताइए, कई बार आ चुका है। तो मानव अधिवासों के प्रकार में लिखेंगे, मानव अधिवासों को मुख्यतः या फिर प्रमुख दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है, पहला ग्रामीण, दूसरा है नगरीय, ठीक है। इन दो अधिवासों में विभाजित किया जाता है, मतलब अधिवास का मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है। ग्रामीण अधिवास हुए हैं जिनकी अधिकांश जनसंख्या कृषि या इससे संबंधित प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न रहती है, मतलब कि ग्रामीण का मतलब यही हुआ, ग्रामीण अधिक ठीक है, अधिवास का मतलब यह हुआ जहाँ पर लोग खेती बाती कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं, ठीक है, उससे कुछ उगा रहे हैं, ठीक है। तो ये और खेती से संबंधित कोई बिजनेस ओपन कर रहे हैं, ठीक है,
ये सब चीज़ें संलग्न हैं, ये सब चीज़ें आती हैं ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत, ठीक है। ग्रामीण अधिवास स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री से बनाए जाते हैं। इन अधिवासों के मकान कच्चे तथा पक्के दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ, उसके बाद आपको लिखना है नगर अधिवास के बारे में ग्रामीण अधिवास के बारे में जानकारी ली। अब हम जान लेते हैं नगरीय अधिवास के बारे में। तो नगरीय अधिवास वे अधिवास है जहाँ के निवासी यानी कि जहाँ के रहने वाले लोग द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों जैसे निर्माण उद्योग, कोई बिजनेस बड़ा है, परिवहन, ठीक है, कोई अपना रोडवेज का काम, मतलब कि बहुत सारे वाहनों के माध्यम से कमाई करना, उच्च सेवाओं एवं प्रशासनिक कार्यों में संलग्न रहते हैं, यानी कि कोई ड्राइवर है, कोई ऑफिस का कार्य ऑफिस जाता है, ठीक है, और कोई कंपनी जाता है, ठीक है, कोई किसी का स्वयं का बिजनेस है, तो ये सब आ जाएगा नगरीय अधिवास के अंतर्गत। नगरीय अधिवास ग्रामीण अधिवास की तुलना में सघन होते हैं, यहाँ जनसंख्या अधिक फिक्सित होती है, मतलब कि यहाँ पर ज़्यादा लिखे पढ़े लोग होते हैं इसमें नगरीय अधिवास में, ठीक है। तो इस प्रकार बेसिक सा परिचय लिखेंगे, अगर क्वेश्चन आया तो ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मानव का क्रमिक विकास कैसे हुआ, तो इसके बारे में जानते हैं। आधुनिक मनुष्य का विकास पूर्वी अफ्रीका में लगभग 25 लाख वर्ष पहले, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक वानरों के एक जीनस से हुआ, जिसका अर्थ दक्षिणी वानर है। लगभग 20 लाख वर्ष पहले इनमें से कुछ अपनी मातृभूमि को छोड़कर उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और एशिया में बस गए, ठीक है। तो इस तरह मानव की जो शुरुआत है, क्रमिक विकास इस तरह हुई थी, बेसिक परिचय इस प्रकार लिख सकते हैं। और आपको जानना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आंसर भी आप लोगों को जानना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानव भूगोल किस, ठीक है, संभववाद के बारे में बताना है। तो ये भी कभी कदार आने वाला क्वेश्चन, हालांकि हमेशा नहीं आता, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। आपकी इच्छा पढ़ सकते हैं, हमारी रिकॉर्डिंग इतना महत्वपूर्ण है इसलिए इग्नोर करेंगे। अगला प्रश्न है कि मत्स्य उत्पादन की भौगोलिक परिभाषा, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में जानते हैं। मत्स्य पालन सभी महासागरों एवं सागरों में की जाती है, परंतु महागिरी के प्रमुख क्षेत्र शीत कटिबंध में स्थित है। व्यापारिक मत्स्य पालन उष्णकटिबंधीय सागरों में कम विकसित है। शीतोष्ण अंशांश, शीतोष्ण तथा उच्च अंशांशों में प्लवक की बहुता होती है, और प्लैंकटन फ्लोक ही मछली का मुख्य आहार है। मत्स्य पालन जो है, यानी कि मछली का पालना जो महासागरों एवं सागरों में की जाती है, और इसमें एक कंडीशन भी है कि माहीगिरी के प्रमुख क्षेत्र शीत कटिबंध में ये, ठीक है, स्थित है, जहाँ पर ये मछली पालन किया जाता है। और इसमें होता यह है कि व्यापारिक मत्स्य पालन उष्णकटिबंधीय सागरों में कम विकसित है। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय जो सागर है वहाँ पर ये जो प्रोसेस है मत्स्य पालन का, ये संभव बहुत कम है, मतलब इसका विकसित कम है, ठीक है। तो इसी तरह बेसिक परिचय लिखेंगे, बाकी आप अपने अनुसार भी परिभाषा तैयार कर सकते हैं इंटरनेट से, गूगल से, लेकिन कुल मिलाकर महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान रखेंगे। अगला कि अनुकूलतम जनसंख्या, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो किसी प्रदेश की वह जनसंख्या, ठीक है, किसी प्रदेश की वह जनसंख्या जिसे वहाँ उपलब्ध संसाधनों के अनुसार उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त होता है, अनुकूलतम या अभीष्ट जनसंख्या कही जा सकती है, या फिर अनुकूलतम जनसंख्या कहा जा सकता है, ठीक है। कि कोई शहर है, वहाँ पर कोई इंसान रह रहे हैं, और उनको सभी संसाधन जो जिस चीज़ की उनको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो मिल रहा है, तो उनका जो जीवन स्तर है वो एक परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे, ठीक है, अनुकूलतम जनसंख्या, ओके। अगला प्रश्न है कि विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, तो जान लीजिए आज विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेश, एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो लिखेंगे विश्व के चार प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेश। नंबर एक पे है पाश्चात्य सांस्कृतिक सांस्कृतिक प्रदेश, दूसरा है इस्लामी सांस्कृतिक प्रदेश, तीसरा है भारतीय सांस्कृतिक प्रदेश, तीसरा चौथा है पूर्वी एशिया सांस्कृतिक प्रदेश। तो ये चार प्रमुख हैं सांस्कृतिक प्रदेश, जिनको आपको ध्यान रखना है, विश्व के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार आ भी चुका है ये भी प्रश्न, ठीक है। प्रजाति की परिभाषा, ये भी महत्वपूर्ण है। तो प्रजाति के बारे में आप सभी समझते भी होंगे, और प्रजाति की परिभाषा लिखेंगे कि यह वह समूह है जिसमें शारीरिक विशेषताओं का एक विशिष्ट योग धारण होता है। प्रजाति एक प्रमाणित
प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है या एक ऐसा समूह है जो वंशानुक्रम, नस्ल या प्रजातियों, गुणों या उप प्रजातियों से जुड़ा है। प्रजातियों पैतृत्व द्वारा प्राप्त लक्षणों के आधार पर एक वर्गीकरण है। मतलब कि कोई सिस्टम होता है तो आपके जो मान लीजिए कि आपके दो बाबा जी थे, ठीक है, उनसे आपके पापा का और चाचा का जन्म हुआ, फिर आपके पापा से आपका जन्म हुआ, ठीक है। तो ये जो पैटर्न चला रहा है उसी की बात यहाँ पर हो रही है। प्रजातीय पितृत्व द्वारा लक्षणों के आधार पर एक वर्गीकरण है प्रजाति, ठीक है। तो इस प्रकार बेसिक परिचय लिखेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें शारीरिक विशेषताओं का एक विशिष्ट योग धारण है, ठीक है, होता है। प्रजाति एक प्रमाणित प्राणी शास्त्रीय अवधारणा भी है, ठीक है। और या एक ऐसा समूह जो वंशानुक्रम, जो नफल होती हैं, जो आपका जनरेशन होती है पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, उन सभी से ये जो जातियाँ होती हैं उनके जुड़ा होता है, ठीक है, उन उप प्रजातियों और जातियों से जुड़ा हुआ था, ठीक है, उप प्रजातियों और प्रजातियों से जुड़ा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला कि विश्व की प्रमुख जनजातियाँ बताइए। तो विश्व की प्रमुख जनजातियों में नंबर एक पे है इस्कमो जनजाति, दूसरी है रेड इंडियन, तीसरी है बोरो जनजाति, चौथी है बुस्मैन जनजाति, पाँच नंबर है मसाई जनजाति, छः नंबर है किर्गी जनजाति। तो इस प्रकार आप पाँच पे छः उत्तर, मतलब पाँच पे छः जनजातियों के बारे में लिख देंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संथाल, ठीक है, जनजाति के बारे में बताइए, संथाल जात के बारे में बताइए। तो इसके बारे में भी जानना आपको ज़रूरी है। संथाल जनजाति जो है संथाल भारत का मुंडा जातीय समूह की एक प्रमुख जनजाति है। वे मुख्य रूप से भारतीय राज्यों झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम में रहते हैं, या अल्पसंख्या में नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं। ये मूल रूप से संथाली भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार छोटा सा परिचय लिख देंगे इसके बारे में भी, संथाल प्रजाति के बारे में, और हेल्पफुल क्वेश्चन है। अगला कि जनसंख्या घनत्व इक्वल कुल आबादी अपान कुल क्षेत्रफल, ठीक है, तो इसको इग्नोर करेंगे, बहुत कम आएगा, ठीक है। थारू जनजाति के बारे में, थारू जनजाति के बारे में क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो थारू नेपाल और भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली एक जनजाति है। नेपाल की सकल जनसंख्या का लगभग 6.6 लोग थारू हैं। भारत में बिहार के चंपारण जिले में और उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह नगर में थारू जनजाति के लोग पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है भी। ओके, अगला प्रश्न आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में बताइए। तो उष्णकटिबंधीय घास मैदान भूमध्य रेखा के समीप कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य अवस्थित है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान आमतौर पर उष्णकटिबंधीय वर्षावनों एवं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों के मध्य महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या कहा जाता है? सवाना भी कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव प्रजाति से क्या आशय है, मानव प्रजाति के बारे में परिचय दीजिए, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि वर्तमान मेधावी मानव की जीव वैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर उसके उस वर्गीकरण से है जिसका प्रत्येक वर्ग वंशानुक्रम के द्वारा शारीरिक लक्षण या फिर शारीरिक लक्षणों में पर्याप्त समानता रखता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रजाति का तात्पर्य। अगला कि मानव भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, ये क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र का नाम है तो इसको भी तो जरूर जानना चाहिए। मानव भूगोल की प्रमुख समस्याएं, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मानव भूगोल या बड़े पैमाने पर स्थानिक संदर्भ, ठीक है, स्थानिक संदर्भ में विविध प्रजातियों का अध्ययन करता है। सांस्कृतिक भूगोल या मानवीय संस्कृतियों की उत्पत्ति संगठकों और प्रभावों की चर्चा करता है, जानकारी लेता है। आर्थिक भूगोल या स्थानीय प्रादेशिक राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर आर्थिक गतिविधियों की अवस्थित वितरण का अध्ययन करता है, ठीक है। तो इस प्रकार बेसिक परिचय इसका लिखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, पक्का ध्यान रखेंगे, ठीक है। सांस्कृतिक प्रदेश के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रत्येक सांस्कृतिक का प्रभाव का कुछ भौगोलिक क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र को उस संस्कृति का सांस्कृतिक प्रदेश कहा जाता है। सांस्कृति के प्रभाव के क्षेत्रों के आधार पर चार प्रमुख बड़े सांस्कृतिक प्रदेश और दो मध्य सांस्कृतिक प्रदेश हैं, ठीक है।
तो अगर क्वेश्चन आया तो लिख देंगे, अदरवाइज इग्नोर कर देंगे, बहुत कम आता है। ठीक है, अगला कि नगरीय अधिवास के बारे में मैंने भी ऊपर बता ही दिया था। ठीक है, फिलहाल आप पढ़ भी सकते हैं। तो इसी प्रकार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जब आप परीक्षा देने जाएंगे। बाकी जो पूरी की पूरी PDF है इसको हम टेलीग्राम व्हाट्सएप पर डाल ही दे रहे हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप का मिल जाएगा लिंक, उससे ज्वाइन होकर आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। मैसेज कर दीजिएगा सर इस सब्जेक्ट की हमें PDF चाहिए, तो हम आपको सेंड कर देंगे। बाकी आपका अपना ही चैनल सक्सेस हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।